हेलो मेरे ट्वेल्थ के चैंपियनों, आज हम अपनी ट्वेल्थ का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ओके गाइस, तो हम समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक है गाइस, तो धीरे धीरे करके चीजों को समझते हुए चलेंगे गाइस। ठीक है ना गाइस, नेशनल इनकम क्या होती है उसको हम समझते हैं। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। यानी किसी एक साल में उसके जो रेजिडेंट है, जो नॉर्मल रेजिडेंट है, उन लोगों ने कितना पैसा कमाया है, सर्विसेज दी है, अपने प्रोफेशन से कितना पैसा कमाया है, वो मेरा नेशनल इनकम में आएगा। नेशनल इनकम यानी अपने देश की कितनी कमाई है, इनकम कितनी है। ओके गाइज, नॉर्मल रेजिडेंट को समझने के लिए आइए गाइज हम देखते हैं चीजों को। ये एक चित्र देखते हैं, हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम आपके लिए गाइस बहुत ही सिंपल हैंडेड मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है गाइस, आप उन नोट्स को देखिएगा, मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में नोट्स को डाल दूंगा। हैंड रिटन नोट्स को आप इनको प्रेफर कर लीजिए, क्योंकि बुक्स में ना स्कैटर्ड होते हैं, मतलब चीज़ें कहाँ कहाँ फैली मतलब फैली हुई होती है। आपको मैं एक नोट्स बढ़िया से बना के दे दूंगा चकाचक आपको। फिर भी अगर नोट्स में कोई दिक्कत होती है तो आप कॉमेंट में डाल दीजिएगा, आप वीडियो के कॉमेंट में मैं आपको श्योर रिप्लाई दूंगा। फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको ट्वेल्थ में बढ़िया नंबर दिलाना वो मेरी ड्यूटी है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात कर रहा हूँ मैं कि अगर अकाउंट्स भी वो पढ़ाएं और बिजनेस भी पढ़ाएं तो बल्ले ही बल्ले। चलिए सर, हम समझते हैं कि अब नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, क्योंकि हमें नेशनल इनकम समझनी है। देखिए सर, तो दीदी मेरी जो मैंने डायग्राम बनाया, हो सकता है आपको थोड़ा अच्छी आया, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं अकाउंट से हूँ, मेरा थोड़ा सा डायग्राम, तो ये मेरा मान लीजिए इंडिया है हमारा। ये इंडिया का मैंने मैप बनाया है, हमारा भारत जो महान है। प्लीज फोकस करिएगा यहाँ पर, है ना। मान लीजिए प्रदीप नाम का एक व्यक्ति है, मान लीजिए हमारे क्रिकेटर MSD, हमारे एमएस धोनी है। ठीक है, KFC हो गया, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए एमएस धोनी है, अगर वो इंडिया में क्रिकेट खेल कर, यानी इंडिया में अगर क्रिकेट हो रहा है, इंडिया में अगर उनको एड्स मिल रही है, अगर इंडिया में अगर कमाई हो रही है इंडिया में रहकर, तो वो तो नेशनल इनकम है। और अगर इंडिया से बाहर भी कर रहा है, लेकिन वो है कहाँ बंदा, ये बंदा है कहाँ का, इंडिया का, इसका इंटरेस्ट का है, इंडिया में ही तो इंटरेस्ट है। SBI कहाँ का है, इंडिया का है। SBI कहाँ का है, इंडिया का है। ठीक है, तो अगर SBI इंडिया के अंदर अगर इनकम कमाता है, अपनी सर्विसेज ग्राहकों को देता है, अपने कस्टमर्स को सर्विस देता है, उससे जो कमाई करता है, तो वो मेरा किस में कवर होगा, मेरा नेशनल इनकम में। और अगर SBI मान लीजिए इंग्लैंड में SBI की एक ब्रांच है, ऑस्ट्रेलिया में SBI की एक ब्रांच है, अमेरिका में भले ही SBI की ब्रांच है और वहां के लोगों को सर्विसेज दे रही है, तो भी वो जो इनकम होगी वो कवर होगी नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में। क्योंकि ये SBI भले मान लीजिए ये यूके में है, मान लीजिए यूके में है, या फिर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, मान लीजिए, लेकिन इसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी ये SBI है किसकी बताइए, इंडिया की। MS धोनी, विराट कोहली मान लीजिए इंग्लैंड में क्रिकेट सीरीज है, वहां से पैसा अर्न करते हैं, इंग्लैंड की किसी कंपनी ने उनको एडवर्टाइज किया, उनको विज्ञापन के लिए पैसे दिए, सब इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। और हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इंडिया में, मान लीजिए इंडिया के अंदर ही KFC, बर्गर, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, ये लोग, अगर ये लोग इंडिया की नहीं है, मान लीजिए KFC जो है बाहर की है, अगर वो इंडिया में, अगर KFC जो है बाहर की कंपनी है और अगर ये इंडिया में व्यवसाय करती है और इंडिया में पैसा कमाती है, तो ये इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में नहीं है, तो ये नॉन रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। MS धोनी चाहे इंडिया में काम करे चाहे बाहर देश पे, क्योंकि इसका इंटरेस्ट जो है, जो इसका जो प्यार जो है, जो दिल है, वो इंडिया में बैठता है। तो अगर MS धोनी इंडिया का बंदा, अगर इंडिया में पैसे कमाए या बाहर पैसा कमाए, तो वो मेरा इंडिया की नेशनल इनकम में जुड़ेगा। लेकिन अगर कोई बाहर देश की कंपनी अगर यहाँ पर आती है, जनपैक्ट हो गई, एसेंचर हो गई, ये बाहर देश की कंपनी है, अगर यहाँ पर आकर प्रॉफिट अर्न करती है, तो ये मेरा देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, भले ही इंडिया में व्यवसाय कर रही है। तो आप समझ गए होंगे क्लियरली, इंडिया का कोई व्यक्ति, इंडिया की कोई कंपनी, इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया में काम करती है, तो इंक्लूड होगा ही होगा। अगर वो इंडिया से बाहर भी काम करती है और तब उसको अगर प्रॉफिट अर्न होता है, तो वो भी मेरा नेशनल इनकम में आएगा। होप आप समझ गए होंगे इसको। चलिए गाइस पढ़ते हैं अपने डायग्राम से, मैंने इसको आपको कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करी। आइए आपको एग्जाम में ये लिखना है, नेशनल, अगर नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, एन
इंडिविजुअल बिकम्स नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंपनी हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट ऑफ कंट्री, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जैसे धोनी, धोनी इंडिया से प्यार करता है, एसबीआई का जो दिल है वो इंडिया में बैठता है, केएफसी का तो अपनी कंट्री में बैठेगा ना, जेनपैक्ट का अपनी कंट्री, भले यहाँ काम, क्योंकि यहाँ पर लेबर चीप है, यहाँ पर कमाने के बहुत साधन है, पब्लिक बहुत है, यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है. हिज पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री इज एक्सीड्स मोर देन, अगर मान ले मैं इंडिया का ही धोनी तो ऑब्वियसली यार वो एक साल से ज्यादा रह रहा होगा वहाँ पे. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट अप्लाइज टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइज, यानी एम एस धोनी इंडिविजुअल व्यक्ति है, एसबीआई एक कंपनी है, यानी इंडिविजुअल पर भी यही रूल लगता है और किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म पर भी यही रूल लगता है. ओके गाइज, होप आप समझ गए होंगे. चलिए गाइज आगे चलते हैं. फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेजिडेंट. फॉरेन स्टूडेंट स्टडी इन इंडिया, फॉरेन के बच्चे आए हैं पढ़ेंगे यहाँ पर, सस्ती पढ़ाई है, बढ़िया पढ़ाई है, वहां से कम पैसा लगेगा, यहाँ पर पढ़ के अपने देश चले जाएंगे. फॉरेन पीपल विजिटिंग टू इंडिया फॉर अ टूरिस्ट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मान लीजिए यहाँ पर भी मेडिकल ट्रीटमेंट सस्ता है, अच्छी सुविधाएं हैं, तो लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, एक दो महीने में ठीक होकर अपना निकल लेते हैं. क्रू मेंबर ऑफ अ शिप, मान लीजिए शिप में घूमने उमने आए, या फिर मान लीजिए जो क्रू मेंबर जहाज में जो नेवी होती है उनकी, वो भी यहाँ पे दो चार दिन के लिए आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, या 10-15 दिन के लिए. और आपने देखा होगा हर एक देश की ना होती है असेंबली होती है, मतलब एम्बेसी होती है. मान लीजिए पाकिस्तान में इंडिया की एम्बेसी है, मतलब कि कुछ लोग होते हैं एम्बेसी, मतलब कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दूसरे देश में भी इंडिया के कुछ लोग बैठे होते हैं. अगर वहाँ पर इंडिया के लोगों को कुछ परेशानी होती है, कुछ तकलीफें होती हैं, तो वो वहाँ पर उनसे शिकायत कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं. तो ये तो जो एम्बेसी होती है ना, वो भले ही मान लीजिए पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में, तो वो अगर यहाँ पर कुछ पैसा कमा रहे हैं तो वो पाकिस्तान को भेजेंगे, वो अपने परिवार को भेजेंगे, तो वो इंक्लूड नहीं होगा. फॉरेन स्टूडेंट इंक्लूड नहीं होंगे. फॉरेन पीपल जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, या टूरिस्ट के लिए आ रखे हैं, घूमने के लिए आ रखे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रखे हैं, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे. आएंगे अपना इलाज कराकर चले जाएंगे वापस. क्रू मेंबर जो उनकी नेवी है, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आएगी, वापस चली जाएगी. जो एम्बेसी है वो क्या है, इंडिया की नहीं है, उसकी जो पैसा कमा रहे हैं वो वहीं के, जिस देश की वो एसएमबी है, एम्बेसी है, उस देश की इनकम में इंक्लूड होगा. एक छोटा सा चीज करते हैं हम, बॉर्डर. बॉर्डर वर्कर क्या होते हैं, मान लीजिए गाइस एक ये बॉर्डर है, मान लीजिए नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, और मान लीजिए अगर नेपाल का कोई बंदा इंडिया, यानी बिहार, मान लीजिए बिहार में कोई कंपनी है, बिहार और नेपाल आपस में सटा हुआ है, बिल्कुल आप मान लीजिए बिल्कुल सटा हुआ है, लोगों के बीच बहुत प्यार प्रेम है वहां पर. मान लीजिए गाइस अगर नेपाल से, मान लीजिए नेपाल से भूषाल नाम का एक व्यक्ति है, हमारे भूषाल, हमारे मित्र जी भूषाल जी, मान लीजिए इंडिया में नौकरी करने आते हैं, और बिहार क्या पास में ही है, अपना रात को वहीं निकल लेते हैं, तो बॉर्डर के लोग हैं ये. अरे इतना नजदीक है गाइस, ये बिहार से भी बिहार आते हैं नेपाल के लोग, और बिहार के लोग नेपाल जाते हैं, जिनको अच्छा रोजगार मिल जाता है, तो ये बॉर्डर होता है. तो इनकी मान लीजिए भूषाल की जो इनकम होगी ना, वो नेपाल की इनकम में, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी. और मान लीजिए बिहार का कोई व्यक्ति दीपक है, वो नेपाल रोजगार करने जाता है, तो यहाँ से जो पैसा आता है वो इंडिया में इंक्लूड होगा. ओके गाइस, तो बॉर्डर वर्कर आर टेकन एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, जिस कंट्री के वो है उनकी, उन्हीं कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, और उनकी जो कमाई होती है वो उसी देश में इंक्लूड होती है. दीपक की कमाई इंडिया में इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, और भूषाल जी जो हमारे मित्र हैं उनकी इनकम किस में इंक्लूड होगी, नेपाल की इनकम में. हेयर दीपक इज द इंडियन रेजिडेंट एंड भूषाल जी इज द नेपाल रेजिडेंट. ओके गाइज, गाइज रेजिडेंट और सिटीजन क्या होता है, गाइज इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं. गाइज सिटीजन क्या होता है ना, मान लीजिए एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत फेमस हस्ती है, तो जो लोग होते हैं ना, जो दूसरे लोग होते हैं, जो दूसरी कंट्री होती है, कई बार वो सिटीजनशिप दे देती है, अपनी यहाँ की नागरिकता दे देती है. अक्षय कुमार इंडिया की भी नागरिकता है और कनाडा की भी नागरिकता है, लेकिन रेजिडेंट वो किसी एक देश का रहेगा. कोई भी व्यक्ति रेजिडेंट केवल एक देश का रहेगा, सिटीजन वो 50 देश का बन जाए भले. मान लीजिए कल को कोई सचिन तेंदुलकर को अगर ऑस्ट्रेलिया रेजिडेंस दे दे कि यार हम, क्योंकि उनसे कि यार हम उसको रेजिडेंट कराने की, सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आएगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा, लोग देखने आएंगे कि यार देखो सचिन तेंदुलकर जी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के भी सिटीजन हैं, अमेरिका दे सकती है, हमारे एम एस धोनी कोई दे दे, इसी कनाडा की सिटीजन, मैंने आपको एग्जाम्पल लिया अक्षय कुमार जी, तो
यानी रेसिडेंट तो भाई एक का रहेगा, अगर मैं अगर किसी एक देश का, नहीं अक्षय कुमार किसी एक देश का रेसिडेंट रहेगा, सिटीजन तो कितने भी देशों के बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं हम, रेजिडेंट इज वन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, जिस कंट्री से प्यार करता है। अक्षय कुमार देख ली भारत माता की जय, यानी जो हमारा जो प्यार है, जो प्रेम है अपने देश भारत से है, तो यानी जिसके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा। सिटीजन इज वन हु रेजिडेंट इन कंट्री अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजन ऑफ द कंट्री, यानी किसी के कानून का पालन कर दे। अक्षय कुमार को कहा भाई आप ये पालन कर दीजिए, आप इतने दिन रह लीजिए, हम आपको सिटीजनशिप दे दे रहे हैं। इट इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, यानी जिसको इकोनॉमी से प्यार होता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, कुछ आपको लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना होता है, आप उस देश के सिटीजन बन जाएंगे। डुअल सिटीजनशिप इज नॉट पॉसिबल, डुअल यहाँ पर रेजिडेंसशिप, आप दो देशों की रेजिडेंट नहीं हो सकते। रेजिडेंट तो साहब आप एक ही देश का होना पड़ेगा आपको, भले ही आप किसी देश का किसी और देश का होना चाहें तो हो जाए, लेकिन एक बार जो हो गए तो उसी देश का रहेंगे आप। और सिटीजनशिप तो आपको दो क्या तीन चार पांच भी मिल सकती है। तो ये है गाइस, रेजिडेंट तो गाइस एक ही देश का रहना पड़ेगा आपको, सिटीजनशिप आप ले सकते हो किसी भी देश की कितनी भी, अगर वो देश आपको आपसे प्रभावित है, आपके काम से प्रभावित है, आप बहुत बड़ी हस्ती हो। आप समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, मतलब हमारे देश इंडिया में क्या क्या इंक्लूड है, मतलब कि जो कमाई होगी कहाँ कहाँ की कमाई, इनको हम इंक्लूड करेंगे, तो वो टेरिटरी को समझते हैं। कोई डेफिनेशन लिखी, मैंने डायग्राम बनाया मस्त एकदम जबरदस्त, उसको हम समझते हैं। गाइस ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना कोशिश। मान लीजिए गाइस ये हमारा भारत माता है इंडिया, भारत में क्या क्या इंक्लूड होगा अब आप समझ लीजिए। गाइस मान लीजिए अगर भारत किसी और देश में, अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए, आपने देखा होगा कि दो देश की सेना आपस में युद्धाभ्यास करती है, युद्ध का अभ्यास करती है। मान लीजिए इंडिया की सेना का, मान लीजिए रूस गई है वहां पर अभ्यास कर रही है, ठीक है, मान लीजिए रूस कंट्री, मैंने देखो बनाया हुआ, मान लीजिए रूस कंट्री है, वहां पर इंडिया की जो है नेवी गई हुई है, इंडिया की आर्मी गई है प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये बोला जाता है कि इंडिया की आर्मी जिस प्लेस पर प्रैक्टिस कर रही है वो प्लेस भी हमारा क्या होगा, इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड होगा। ओके गाइस, ये पहला पॉइंट मैंने कहा, अभी हम पढ़ेंगे ना जब पॉइंट्सों को, तब पहले डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए किसी दूसरे देश में गए, हमारी आर्मी वहां प्रैक्टिस कर रही है, तो वहां पर अगर कोई कमाई करती है तो वो भी नेशनल इनकम इंक्लूड होगा, पहला पॉइंट। दूसरा मान लीजिए गाइस, अगर मान लीजिए हमारी ना इंडिया की कंट्री, आपने देखा होगा नीचे पानी पानी है, तो कहते हैं कि ये जो हमारा ये जो है ना पानी का 12 एक नॉटिकल माइल होता है, एक मापने का होता है 22 नॉटिकल माइल तक इंडिया कवर होता है। इंडिया को हम पानी के लेवल पे 22 नॉटिकल माइल तक इंडिया कवर होता है। एक नॉटिकल माइल होता है 1.85 किलोमीटर। वैसे आपकी मैं बस केवल जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ही आप समझ लीजिए प्लीज, बहुत ईजी बनाया हुआ मैंने। तो ये पानी का 22 नॉटिकल माइल जो है ना वो भी इंडिया में कवर होता है, पहला पॉइंट बोला मैंने। अगर मान लीजिए इंडिया की जो आर्मी है, अगर वो कहीं पर युद्ध की प्रैक्टिस करने के लिए जा रही है, तो जितने समय की वहां पर है वो भी, अगर वहां कोई इनकम अर्न करती है तो वो भी इंडिया की नेशनल इनकम इंक्लूड होगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ऑयल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इस पानी के अंदर होती है, आपने देखा होगा ना बड़े बड़े शिप्स होते हैं, तो ये भी इंडिया में इंक्लूड होगा। यहाँ पर भी अगर कोई पैसा कमा रहे, कोई इनकम हो रही है, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। ठीक है गाइस, और मैंने आपको बताया कि इंडियन एम्बेसी, मान लीजिए पाकिस्तान में ही अगर इंडियन एम्बेसी है, वहां से अगर कोई पैसा कमाती है, भले ही वो पाकिस्तान में इंडिया से बाहर है, लेकिन कोई किसी भी देश की जो एम्बेसी होगी, किसी भी देश की जो एम्बेसी होगी किसी भी देश की जो एम्बेसी होगी वो उस देश की इनकम में इंक्लूड होगा। यानी अगर भले ही पाकिस्तान, मान लीजिए मैंने कहा अफगानिस्तान में इंडिया की एम्बेसी है, ठीक है ना, और पाकिस्तान में मान लीजिए इंडिया की एम्बेसी है, तो भी क्या होगा, कवर होगा, इंडिया में कवर होगा। और क्या, मान लीजिए भारत के जहाज जो है भारत की सीमाओं को क्रॉस कर, मान लीजिए वो अफगानिस्तान या काबुल या यूके ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, तो जब इंडिया का जो हवाई जहाज है किसी भी देश की सीमाओं के ऊपर से जा रहा है, तब भी वो इंडिया का इंक्लूड होगा। और उस जहाज में अगर जितने भी बिजनेस डीलिंग हुई है, कोई बिजनेस का व्यापार हुआ है, उससे जो भी पैसा आया वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा भारत की। चलिए गाइस, ये आपको मैंने बताया था कि NM का मतलब नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर होती है, तो 22 नॉटिकल माइल तक इंडिया होता है। चलिए सर आगे हम ये देखते हैं अपना।
डोमेस्टिक इनकम, इट इज दी डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इज दी ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेट बाय गवर्नमेंट विद इन दी प्रोसेस पर्सन्स गुड्स कैपिटल सर्कुलेटेड फुल्ली इंक्लूड्स। मतलब कि कोई गुड्स हो, कोई व्यापार हो, कोई इनकम जनरेट हो रही है, वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, वो प्लेस मेरा डोमेस्टिक यानी मेरी कंट्री में इंक्लूड होगा, और उस जगह से जो भी इनकम हो रही होगी वो इंडिया में इंक्लूड होगी। चाहे कोई भी करे, चाहे कोई भी व्यक्ति इंडिया का व्यक्ति कर रहा है या कोई और दूसरा व्यक्ति कर रहा है, अगर मेरे टेरिटरी में कर रहा है तब वो मेरी इनकम इंक्लूड होगा। डिफरेंस बेस आउटसाइड इंडिया, मैंने बताया था इस वाला पॉइंट का मतलब, रूस में हमारी आर्मी जो है प्रैक्टिस कर रही है, तो वो जो प्लेस उन्होंने एलोकेट किया कि आप इस प्लेस पर कर लीजिए, वहां पर अगर कोई हमें पैसा मिलता है तो वो मेरे देश की इनकम होगी। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिस्क, मैंने बताया था कि 22 नॉटिकल माइल तक कोई ऑयल की अगर कोई आपने जहाज वहाज है उसमें कोई व्यापार होता है तो वो भी मेरा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। टेरिटोरियल वाटर 22 नॉटिकल माइल के जो पानी है वो भी समेरा इंडिया में कवर होगा। इंडियन एयरक्राफ्ट एंड व्हीसल, यानी इंडिया के जो जहाज भले किसी भी कंट्री में जा रहे हैं वो भी मेरे इंडिया में इंडिया की टेरिटरी में कवर होंगे। कोई भी इनकम जनरेट होगी वो किस में आएगी, वो इंडिया की इनकम में इंक्लूड होगी। इंडियन एम्बेसी आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की एम्बेसी है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, किसी भी देश में है, तो वो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो मेरा किस में कवर होगा, वो मेरा होगा नेशनल इनकम में। मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया था। आइए गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। और तीसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें जीडीपी डिफ्लेक्टर। ये तीन पॉइंट हम पढ़ेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए ईयर मान लीजिए 2000, 2001, 2002, 2003। गैस समझिएगा नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रियल जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और देखिएगा गैस, प्राइस मान लीजिए 10, 15, 20, 25, क्वांटिटी मान लीजिए आप 1000, 1100, 1300 और 1500। यहाँ पर हम निकालेंगे रियल जीडीपी और यहाँ पर नॉमिनल, इसको मैं एन नॉमिनल लिख देता हूँ। अब देखिएगा गाइस, पहले गाइस हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना गाइस। ये पेपर में आ सकता है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि कैसे निकालते हैं। नॉमिनल जीडीपी, इट इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस, यानी ये किस पर कैलकुलेट होता है नॉमिनल जीडीपी, करंट प्राइस पर। और रियल जीडीपी, इट इज कैलकुलेटेड एट बेस प्राइस। अब देखना बेस प्राइस कहने का मतलब होता है गाइस कि ना हम ना किसी एक ईयर को ना बेस ले लेते हैं, किसी एक ईयर को क्या कर लेते हैं हम, बेस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2000 को बेस ले लिया, मैंने
तो जो रियल जीडीपी होगा ना उसमें जो प्राइस होगा हर बार 10 लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये 10,000 हो जाएगा, 1,000 को 10 से गुणा करिए 10,000 हो जाएगा, 11 को 11,000 हो जाएगा, 13 को 13,000 और ये 15,000। ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया आपका, यानी आपको इस मतलब हर बार जो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है वो आपको क्या होगा, जो आपका बेस प्राइस हो जाएगा ना उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको हर बार आपको बेस प्राइस से ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन नॉमिनल में क्या होगा कि 10,000 × 10 हो जाएगा आपका 10,000। हम 11 को 1100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है गाइस, और 13 को ऐसे करेंगे हम 2600, और ये जो हमारा आएगा इन दोनों को गुणा करने से देखें, सोलह पांच सौ, और ये हो जाएगा हमारा 37,500। तो गाइस क्या होता है कि रियल में क्या होता है कि हमें हर बार बेस प्राइस एक ही प्राइस लीजिए, लेकिन नॉमिनल में जो नॉमिनल होता है कि हमेशा करंट प्राइस लेना होगा हमें। तो यही इसमें डिफरेंस है कि नॉमिनल इट इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस और रियल जीडीपी इट इज कैलकुलेटेड एट बेस प्राइस। ये किस पर होता है, करंट प्राइस पर नॉमिनल, और ये किस पर होता है, बेस प्राइस पर। अफेक्टेड बाय, इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस एंड क्वांटिटी, ये किससे अफेक्ट होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी से, और इट इज अफेक्टेड बाय क्वांटिटी ओनली। आप देख रहे हैं जो नॉमिनल है मेरा उसमें हर बार प्राइस चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, और क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों से चेंज हो रहा है। लेकिन जो मेरा रियल जीडीपी है, प्राइस हर बार मैंने कहा बेस ले लेंगे हम रियल जीडीपी में, तो प्राइस से चेंज नहीं हो रहा, जो भी चेंज हो रहा है वो किससे, क्वांटिटी से चेंज हो रहा है। मीजर ऑफ डेवलपमेंट, इट इज नॉट अ गुड मीजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नॉमिनल ये ना, ये माना जाता है गाइस ना कि आपको ना क्या नाम है, आपको ना प्राइस ना एक लेना चाहिए, रियल जीडीपी को बोलते हैं कि ये गुड मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट होता है। तो इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और इट इज अ गुड मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है गाइस। गाइस ये क्वेश्चन देख लिया हमने, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, को इस तरीके से करना है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम, मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी 220 दिया, जीडीपी डिफ्लेक्टर दिया हुआ आपको, जीडीपी डिफ्लेक्टर दिया हुआ आपको, और फाइंड रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेक्टर का गाइस फॉर्मूला होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर भी हमारा पॉइंट है। जीडीपी मतलब गाइस, जीडीपी का मतलब होता है कि एक देश में ना पूरे साल में कितनी वस्तुओं को बेचने से और सेवाओं को देने से जो इनकम मिली है उसको हम जीडीपी कहते हैं। आगे धीरे धीरे करके हम इसको डिटेल में समझेंगे, बट एक साल में हमने जो लोगों को वस्तुएं बेचने से जो पैसा मिला है और जो सर्विसेज दी हैं उससे जो पैसा मिला है, तो उनको जब हम टोटल कर देते हैं पूरे साल का, तो वो मेरा जीडीपी कहलाता है। यहाँ पर फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे और समझेंगे इस चीज को डीपली। जीडीपी डिफ्लेक्टर, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड में रियल जीडीपी इंटू में 100, मुझे निकालना क्या है, रियल जीडीपी निकालना है। तो लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर एज कंट्री, रियल जीडीपी को यूज करने के लिमिटेशंस क्या है, इसकी कमियां क्या है, बुराइयां क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इसमें क्या होता है ना गाइस कि जो व्यक्ति पहले अमीर था वो और अमीर होते जा रहा है, और जो व्यक्ति पहले गरीब था वो और गरीब होते जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मान लीजिए 2000 में हम 100 यूनिट बनाते थे, मान लीजिए साल में पूरे साल में 100 यूनिट बनाते थे, एग्जाम्पल को समझने के लिए, मान लीजिए उसमें से अमीर 70 बनाता था और गरीब जो है 30 बनाता था, ठीक है, और 2010 में 500 यूनिट, मान लीजिए अब जब 10 साल हो गए तो अब काम भी तो ज़्यादा हो बनाना बनने लगा होगा, तो मान लीजिए अभी अमीर 450 बना रहे हैं और गरीब जो है वो 50 बना रहा है, ठीक है गाइस, अमीर जो है वो ज़्यादा बना रहा है, यानी अमीर तो और अमीर होते जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहा है। तो एक बुराई इसकी लिमिटेशन ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यानी ढंग से मतलब अमीर जो है वो और अमीर होते जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। कंपोजिशन ऑफ गुड्स सेम वही है कि पहले हम कंज्यूमर गुड्स और डिफेंस गुड्स है, लेकिन 70 बनाते थे मान लीजिए 2000 में हम,
लेकिन आज जो है कंज्यूमर गुड्स हमने कम कर दिए और डिफेंस के हमने ज़्यादा बना दिए, यानी मतलब लोगों की तरफ जो लोगों की जो वेलफेयर की तरफ है हम लोगों ने उस जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम कर दिया हमने, अट्रैक्शन लोगों का वेलफेयर जो है बिल्कुल रिड्यूस कर दिया। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज गाइस क्या होता है कि मान लीजिए नॉन मॉनेटरी का मतलब बार्टर सिस्टम, यानी आपने एक चीज के बदले में दूसरी चीज दे दी, आपने एक चीज के बदले में क्या कर दी, दूसरी चीज आपने दे दी है, तो ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में क्या होता है कि भले वेलफेयर होता है, मतलब मान लीजिए कि जिस चीज जिस व्यक्ति को जो चीज चाहिए थी उस व्यक्ति को वो चीज मिल जाती है, लेकिन उससे जीडीपी को फर्क फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप सामान के बदले में सामान दे रहे हैं आप, तो जो मनी का जो फ्लो है, मनी का तो फ्लो कहीं आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो मनी का अगर फ्लो यहाँ पर है ही नहीं तो इससे क्या भले ही वेलफेयर हो रहा है लेकिन जीडीपी जो है जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्सटर्नलिटीज का मतलब ये भी एक लिमिटेशन है, इसमें मतलब क्या होता है कि मतलब एक ऐसा काम मतलब जिसमें हम किसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, किसी को इनकरेजमेंट दे रहे हैं या किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, लेकिन उससे मनी फॉर्म में कोई बदलाव नहीं आता। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है यदि कोई ऐसा काम करे जो समाज के लिए भला हो, पर उसे जीडीपी पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, मान लीजिए कोई व्यक्ति पेड़ पौधे लगा रहा है या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ काम कर रहा है, तो भले ही लोगों का वेलफेयर हो रहा है लेकिन जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मनी का तो फ्लो नहीं हो रहा। ऐसी मान लीजिए कोई कंपनियां जो है प्रदूषण फैला रही है, मान लीजिए उन्होंने चिमनियां लगा रखी जिससे धुआं निकलता है, उनको हमने पनिश कर दिया, वो समझे या ना समझे कंपनी अलग बात है, लेकिन इससे जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही था आज के लिए हमारा जो पॉइंट था नेशनल इनकम का। धीरे धीरे करके हम चीजों को करते हुए जाएंगे, एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। पहले हम पढ़ेंगे कि आज हमने गाइस पढ़ा क्या। नेशनल इनकम मतलब हमारे लोगों ने कितना पैसा कमाया पूरे साल भर में, वो मेरा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। हमारे लोगों ने कितना पैसा कमाया वो मेरा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। नॉर्मल रेजिडेंट, मैंने बताया था नॉर्मल रेजिडेंट आपको, इंडिविजुअल हु बिकम्स नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री व्हेन हिज इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है लाइज इन दैट कंट्री, यानी जो उसका इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो किस में होता है, उस कंट्री में होता है। जैसे कि मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी भले ही बाहर खेलने चला जाए लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो जो प्रेम है वो अपने देश के साथ है। हिज पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री एक्सीड्स 1 ईयर, अगर मान लीजिए क्योंकि हम लोग बचपन से 1 साल से ज्यादा ही है ना हम लोग, तो हम लोग अपनी कंट्री के ही हैं। आपको मान लीजिए इंडिया का मैंने मैप बनाया था, आप मान लीजिए MS धोनी या इंडिया का कोई बंदा भले ही इंडिया में काम कर रहा है और भले ही बाहर देश से कमा रहा है, अगर वो इंडिया में भी कमा रहा है या बाहर देश में भी कमा रहा है तो वो इंडिया का बंदा ना, तो उसकी जो इनकम होगी भले वो बाहर से भी कमा रहा है तो उसकी जो इनकम होगी वो किसमें इंक्लूड होगी, इंडिया की नेशनल इनकम इंक्लूड होगी। और मान लीजिए कोई बाहर देश की कंपनी अगर इंडिया में कोई काम कर रही है तो उसकी जो इनकम होगी वो इंक्लूड नहीं होगी इंडिया में, क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है ना, उसका तो मकसद ये है यहाँ पर आना, प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट कमा के यहाँ से निकल जाना। ठीक है गाइस, फॉरेन स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे हमारे रेजिडेंट में। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आया या टूरिस्ट घूमने के लिए आया वो नहीं होगा। कोई मान लीजिए शिप विप होती है जो उनकी नेवी होती है बाहर देश की नेवी, 2-4 दिन के लिए अगर इंडिया में आई है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी। जो एम्बेसी होती है किसी देश की एम्बेसी, मान लीजिए इंडिया की एम्बेसी किसी और देश में है तो वो भी क्या नाम है उस देश की रेजिडेंट नहीं होंगे। मान लीजिए पाकिस्तान की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। बॉर्डर वर्कर का मतलब है कि मान लीजिए अगर अगर दो दो राज्यों या दो देशों के भी अगर बॉर्डर आपस में मिलते हैं, और मतलब मान लीजिए नेपाल और बिहार, मान लीजिए मैं एग्जांपल लिया, आपस में बॉर्डर बहुत मिलते हैं, तो नेपाल का कोई व्यक्ति अगर बिहार में आकर काम करके सुबह काम करके अपना शाम को वापस बिहार चला जाता है, घर चला जाता है, तो ऐसे में जो जिस देश का वो व्यक्ति होगा वो उसी देश का नागरिक होगा और उसकी इनकम भी उसी देश में इंक्लूड होगी। मैंने बताया था रेजिडेंट और सिटीजन, एक व्यक्ति किसी एक देश का रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है ना, और जो सिटीजन है वो एक से ज्यादा देशों के भी सिटीजन हो सकता है। डॉक्टर
डोमेस्टिक टेरिटरी में मैंने बताया था आपको कि 12 नॉटिकल माइल जो नीचे वाटर का लेवल है, 22 नॉटिकल माइल तक भी इंडिया है। और अगर भारत की मान लीजिए कोई नेवी बाहर देश जाती है, भारत की जो नेवी बाहर देश जाती है वहाँ पर अगर कुछ प्रैक्टिस करती है, तो जो प्लेस उनको दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, अगर वहाँ भी कोई कमाई होती है तो वो भी इंडिया की इनकम में आएगा। भारत के जो जहाज है, मान लीजिए जो हेलीकॉप्टर है, वो अगर जो एयरप्लेन है मान लिया वो किसी और देश की टेरिटरी में अभी ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर भी अगर कोई इनकम होती है किसी भी व्यक्ति को, तो वो भी नेशनल इनकम इंक्लूड होगी। नॉमिनल जीडीपी था और एक रियल जीडीपी का हमारा डिफरेंस था। उसके बाद दो क्वेश्चंस भी हमने किए थे और रियल जीडीपी की लिमिटेशंस करी थी हमने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी यानी मतलब भेदभाव, यहाँ पर भेदभाव होता है लोगों के साथ, अमीर लोगों को ज्यादा इसमें मिलता है फायदा। कंपोजिशन ऑफ गुड्स, जिस जिस सामान से लोगों का ज्यादा भला होता था अब वो नहीं बना रहे हम लोग। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज मतलब कई ऐसे हैं जिनसे कई ऐसे भी ट्रांजेक्शन है जिनसे लोगों का भला होता है लेकिन वो जीडीपी में कोई देता ही है, आपस में लेन देन करना बिना किसी पैसों के वो होगा नहीं। और ये एक्सकलेटरीज मतलब कि कोई ऐसा काम जिससे लोगों का भला तो हो रहा है, समाज की भलाई तो हो रही है, लेकिन वो क्या है, हमारा भलाई तो हो रही है समाज की लेकिन वो क्या है, हमारा किस में इंक्लूड नहीं हो सकता, जीडीपी में, क्योंकि लोगों की भलाई करना या कोई अच्छे काम करना, पेड़ पौधे लगाना, ये सब क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक काम के लिए तो सही लगते हैं लेकिन जीडीपी पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइस नेशनल इनकम कम का आज ही हमारा पहला लेक्चर था, इसका पार्ट बी आएगा हमारा। और मैं ये जो नोट्स हैं ये मैं अपनी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस प्लीज लाइक शेयर द वीडियो एंड मोटिवेट अस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।